हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो मॉडल पेपर हम कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन है बेटा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। और भारत के पश्चिमी तट पर किस यूरोपीय देश ने सबसे पहले अपना उपनिवेश स्थापित किया था? पुर्तगाल पर। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया? फ्रांस ने। प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी पराजय हुई थी? सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब और किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1728 ईस्वी में जॉन के नामक अंग्रेज ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार कब हुआ? जॉर्ज स्टीवनसन ने 1814 ईस्वी में रेल के इंजन का आविष्कार किया। फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम है? तो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम बेटा स्टेट्स जनरल था। रूसो कौन था? उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बेटा रूसो फ्रांस का एक महान दार्शनिक था और लेखक था, शिक्षा शास्त्री था। उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। फ्रांस की क्रांति के दो दार्शनिकों के नाम लिखिए। रूसो तथा वोल्टेयर फ्रांस की क्रांति के दो दार्शनिक थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्थल सीमा कितनी लंबी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसमें कितनी कमान होती है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसमें 3 कमान होती है। औद्योगिक क्रांति के दो प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो 18वीं शताब्दी औद्योगिक क्षेत्र में थोड़े से समय में ही उत्पादन की तकनीक में जो आमूल परिवर्तन हुए उसे ही हम औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के साथ साथ बौद्धिक विकास को युग प्रारंभ हुआ। नए नए आविष्कार तथा खोज कार्य होने लगे। नई मशीनों, वैज्ञानिक विधियों तथा सुधरी हुई तकनीक ने उद्योग, कृषि, परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। कृषि क्रांति 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में एक प्रकार से कृषि क्रांति हो गई थी, जिसके कारण उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी। नस्ल सुधार से पशुधन में वृद्धि हुई, जिसने खेती के साथ साथ भोजन की भी स्थिति सुधार दी। इंग्लैंड थोड़े ही दिन में अपेक्षात कम जमीन उपलब्ध होने पर भी कृषि के यूरोप के अन्य देशों के अग्रणी हो गया। इन कृषिगत परिवर्तनों ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से श्रमिकों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़े? सो निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज पूंजीपति श्रमिक इन दो वर्गों में बट गया। पूंजीपति श्रमिकों से अधिक काम लेते थे किंतु उन्हें कम मजदूरी देते थे। मजदूरों को कम मजदूरी पर अस्वस्थ होने की स्थिति में भी 14-16 घंटे काम करना पड़ता था। उनके बीमार या दुर्घटनाग्रस्त होने पर मालिक उन्हें काम से भी हटा देते थे। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को बहुत कम मजदूरी दी जाने लगी। बच्चों के अधिक कार्य करते रहने के कारण नींद के झोंके में मशीन में फंसकर कट जाने की घटनाएँ होती रहती थी। गांवों से आने वाले श्रमिकों को नगरों में एकाकी जीवन बिताने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे पारिवारिक विघटन प्रारंभ हो गया। वे मनोरंजन के अभाव में जुआ, मदिरा, अश्लीलता के शिकार हो गए। भारतीय वनों की किन्हीं 4 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए? तो पहला है, भारत में जलवायु की विभिन्नता के कारण विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ विषुवपुत्र सदाबहार वनों से लेकर शुष्क कटीले व अल्पाइन कोमल लकड़ी वाले वन भी मिलते हैं। भारत में कोमल लकड़ी वाले वनों का क्षेत्र कम पाया जाता है। यहाँ कोमल लकड़ी वाले वन हिमालय के अधिक ऊंचे ढालों पर मिलते हैं, जिन्हें काटकर उपयोग में लाना अत्यंत कठिन है। भारत के मानसूनी वनों में ग्रीष्म ऋतु से पूर्व वृक्षों की पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं, जिसे पतझड़ कहते हैं। भारत के वनों में विविध प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, अतः उनकी कटाई के संबंध में विशेषीकरण नहीं किया जा सकता। भारत के पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना कीजिए। तो प्रायद्वीप पठार के दोनों ओर पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर पतली पट्टी के रूप में जो मैदान फैले हैं उन्हें समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। इन मैदानों को दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, पूर्व तटीय मैदान एवं पश्चिम तटीय मैदान। इन दोनों मैदानों में दो मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। आकार, पश्चिमी तटीय मैदान एक संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है। इनकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है तथा नर्मदा एवं तप्ती के मुहाने के निकट ये 80 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। इनकी औसत चौड़ाई 161 से 483 किलोमीटर है। विस्तार, पश्चिम तटीय मैदान प्रायद्वीपीय के पश्चिम में खंबात की खाड़ी से लेकर कुमारी
अंतरिप तक फैले हैं, जबकि पूर्व तटीय मैदान प्रायद्वीपी पठारों के पूर्वी किनारों पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर, पूर्वी घाट के मध्य पश्चिमी बंगाल से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया को समझाइए। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होते हैं, किंतु संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस महाभियोग लगाकर उसे उनके पद से हटाया भी जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग पत्र पर अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाता है। यदि वो सदन के समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं, मतलब 3 में से 2 लोग मान जाते हैं, तो उनके बाद वह अभियोग भारतीय संसद के 2nd सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करता है या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा महाभियोग की जाँच में हिस्सा ले सकता है। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरे सदन में भी उसके कुल सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से अब महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाता है। इस संबंध में विशेष बात यह है कि इस समय तक वह अपने पद पर बराबर कार्य करता रहेगा। भारत के उपराष्ट्रपति के अधिकारों को एवं कर्तव्यों को वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति के पश्चात उपराष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के प्रमुख अधिकार निम्न होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। सभा को संचालित करने तथा उसकी बैठकों में व्यवस्था बनाए रखना उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है। राष्ट्रपति की बीमारी की अवस्था या किसी अन्य कारण से उसके अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न करता है। राज्यसभा में यदि किसी प्रस्ताव या विधेयक पर विपक्ष के एक समान मत पड़े तो उपराष्ट्रपति को अपना निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वह त्यागपत्र दे दे, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस समय तक करता है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य को उल्लेख कीजिए। तो लोकसभा के अधिवेशनों में अध्यक्षता करना, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना, इसका यह प्रमुख कार्य है। सदन में अनुशासन शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी अध्यक्ष का है। यदि कोई सदस्य सदन में अनुशासन को भंग करता है तो अध्यक्ष उसे सदन से निष्कासित भी कर सकता है। अध्यक्ष सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है। प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सदन में अपना व्यक्तित्व देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों से आवश्यक नियमों का पालन कराना, मतगणना के परिणाम की घोषणा, ये भी इनके प्रमुख कार्य हैं। अध्यक्ष की यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है और कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है। अध्यक्ष यह निश्चित करता है कि लोकसभा में प्रस्तुत काम रोको प्रस्ताव नियमानुसार है अथवा नहीं। अध्यक्ष ही सदन में पारित होने पर विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तथा उसको दूसरे सदन में भेजने की व्यवस्था करता है। अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। वह सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा भी करता है। समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। वह राष्ट्रपति को लोकसभा के निर्णयों से भी अवगत कराते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस प्रकार संपन्न हुई? कॉमनवेल्थ की शासन नीति से अंग्रेज जनता तंग आ चुकी थी। परिणाम स्वरूप सन 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई तथा चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसको उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह एक निरंकुश शासक था, कट्टर कैथोलिक था, जबकि इंग्लैंड में प्रोटेस्ट धर्म का बहुमत था। आई थिंक ये सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रता पूर्वक आज्ञा या कानून की अवमानना करना। मार्च 1930 में गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में गुजरात में स्थित डांडी नामक स्थान से समुद्र तट उन्होंने पैदल यात्रा की, जिसमें हजारों नर नारियों ने उनका साथ दिया। वहाँ उन्होंने स्वयं नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। शीघ्र ही हजार लोगों राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित परिस्थितियों में बाध्य होकर आरंभ किया गया। अंग्रेजों द्वारा पारित नमक कानून के कारण भारत की निर्धन जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा, अतः उनमें अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध भारी रोष था।
साइमन कमीशन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण जनता में रोष व्याप्त था। अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्तर देना अस्वीकार कर दिया था। बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने को प्रोत्साहित किया। ठीक है, आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। उन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को पैदल यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के निकट समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून भंग कर दिया। वहीं से यह आंदोलन सारे देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र आरंभ कर दिया। गांधी जी सहित अनेक आंदोलनकारी को जेलों में बंद कर दिया, परंतु आंदोलन की गति में कोई अंतर नहीं आया। इसी बीच गांधी जी ने और तत्कालीन वायसराय ने एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना तथा आंदोलन बंद करना स्वीकार कर लिया। इस तरह 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए रुक गया। क्या परिणाम हुए? इस आंदोलन में पहली बार बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया था। इस आंदोलन में मजदूर, किसान, महिलाओं से लेकर उच्च वर्गीय लोग तक शामिल थे। सरकारी अत्याचारों के बावजूद लोगों ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा, जिससे भारतीयों में आत्मबल की वृद्धि हुई। इस आंदोलन ने कांग्रेस की कमजोरियों को स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस के पास भविष्य के लिए आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम ना होने के कारण वह भारतीय जनता में व्याप्त रोष का पूर्णतः उपयोग नहीं कर सकी। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एवं परिणाम पर टिप्पणी लिखनी है आपको। मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स कुछ प्रस्तावों के साथ भारत आए। प्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा के अतिरिक्त भारतीयों को भारत सरकार के सभी विभाग हस्तांतरित करने की बात कही गई थी। क्रिप्स का प्रस्ताव स्वीकार करो अथवा छोड़ दो की भावना पर आधारित था। इसे भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। अंततः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो वाला प्रसिद्ध प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंप दी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कारण क्या थे? पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। यह तभी हो सकता है जब अंग्रेज लोग भारत को छोड़ देते। दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर, बर्मा निकल गए थे। गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ना छोड़ा तो इस देश के लोगों को भी वही दुर्दशा होगी जो बर्मा और मलायर लोगों की हुई थी। गांधी जी का विचार था कि यदि अंग्रेज लोग भारत छोड़ा जाए तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। आंदोलन को आरंभ करने का एक और कारण यह था कि हिटलर और उसके साथियों का प्रोपोगंडा बढ़ रहा था। उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बर्लिन से हिंदुस्तानी भाषा में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ऐसा महसूस किया गया कि भारत की रक्षा के लिए उत्साह पैदा किया जाए, और ऐसा तभी हो सकता था जब देश में एक व्यापक आंदोलन हो। बर्मा यानी कि म्यांमार छोड़ने के समय हिंदुस्तान के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उनको भारत लौटने के समय अनगिनत कष्ट सहने पड़े। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत रोष उत्पन्न हो गया। इस वातावरण ने गांधी जी को आंदोलन चलाने के लिए विवश किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में अंग्रेजों ने भारत में सब कुछ जलाने की नीति को अपनाया। इस नीति से बहुत से हिंदुस्तानियों की हानि हुई। कई लोगों की जमीनें नष्ट हो गई, उनको पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिला। कईयों की रोटी छिन गई, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, देश में असंतोष बढ़ गया। ऐसी स्थिति से लाभ उठाने के लिए गांधी जी ने अपना आंदोलन आरंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव क्या थे? आंदोलन का तात्कालिक परिणाम यह था कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को जेल भेज दिया। कांग्रेस संस्था को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। उसके कार्यालय पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। यह नीति सरकार ने कांग्रेस को कुचलने के लिए अपनाई। साधारण जनता हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं रही, उसने भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। गांधी जी के मन में यह विचार ही नहीं था कि सरकार उन्हें अकस्मात बंदी बना लेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन का पथ प्रदर्शन करने के लिए कोई नेता नहीं था। जैसा लोगों के मन में आया उन्होंने वैसा ही किया। जब सरकार ने निर्दोष पुरुषों, स्त्री और बच्चों को गोली से उड़ा दिया, तब लोगों ने भी हिंसा की नीति अपनाई। जहां कहीं विदेशी मिले उन्हें मार डाला। बहुत कठिनाइयों के बाद ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता को देश में फिर से स्थापित करने में सफल हुई। भारत विभाजन के कारणों का प्रकाश जाननी है। ब्रिटिश सरकारों की शासकों की नीति। भारत विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकारों की फूट डालो और शासन करो की नीति मुख्य रूप से उत्तरदायी थी।
इस नीति का अनुसरण करके उन्होंने भारत के हिंदुओं मुसलमानों में सांप्रदायिकता का विष घोल दिया। मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश सरकार आरंभ से ही कांग्रेस के विरुद्ध रही, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के बाद से ही सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। सरकार के सामने ऐसी मांगे रख दी जिन्हें सरकार स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थी। इसीलिए सरकार ने मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित देने के लिए सन 1909 ईस्वी में अधिनियम में मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया, और आगे भी वह मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध भड़काती रही। जिन्ना की जिद। जिन्ना प्रारंभ से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। पहले वे बंगाल और संपूर्ण असम को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तथा पश्चिमी पाकिस्तान से समस्त पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाना चाहते थे। अपनी जिद के कारण जिन्ना ने निरंतर गतिरोध बनाए रखा और समय के निराकरण के लिए बनाई गई सभी योजना को अस्वीकार किया। परंतु 3 जून 1947 की योजना उन्हें दिया गया कि पाकिस्तान उस पाकिस्तान से अच्छा नहीं था जिसे उन्होंने सन 1944 में अपूर्ण, अंगहीन और दीमक लगाकर कहकर अस्वीकार कर दिया था। अब जो पाकिस्तान उनको दिया गया वह उनकी आशाओं से बहुत छोटा था, जिसे जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में आकर स्वीकार कर लिया था। सांप्रदायिक दंगे। जिन्ना की प्रत्यक्ष कार्रवाई की नीति के कारण भारत के कई भागों में हिंदी मुस्लिमों के बीच दंगे फसाद हो रहे थे, जिनमें हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जा रहे थे और अपार धन संपत्ति नष्ट हो रही थी। कांग्रेसी नेताओं ने इन दंगों को रोकने के लिए भारत का विभाजन स्वीकार करना ही उचित समझा, भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा। कांग्रेसी नेता इस बात का अनुभव कर रहे थे कि विभाजन के बाद भारत बिना किसी बाधा के चहुंमुखी उन्नति कर सकेगा, अन्यथा भारत सदैव गृह संघर्ष में ही फंसा रहेगा। 3 जून 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन को स्वीकार करने के लिए जनता से अपील करते हुए कहा कि कई पीढ़ियों से हमने स्वतंत्रता संयुक्त भारत के लिए संघर्ष किया और सपने देखे हैं, इसीलिए उस देश के विभाजन का विचार भी बहुत कष्टदायक है, परंतु फिर भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारा वर्तमान निर्णय सही है। यह समझना आवश्यक है कि तलवारों द्वारा भी अनैच्छिक प्रांतों को भारतीय संघ राज्य में रख सकना संभव नहीं है। यदि उन्हें जबरन भारतीय संघ में रखा भी जा सके तो कोई प्रगति और नियोजन संभव नहीं होंगे। राष्ट्र में संघर्ष और परस्पर झगड़े की जारी रहने से देश की प्रगति रुक जाएगी। बोली वाली जनता के कत्ल से तो विभाजन ही अच्छा है। हिंदू महासभा का प्रभाव। भारत में हिंदू महासभा ने कांग्रेस को हर प्रकार का सहयोग दिया, किंतु सन 1930 में उपरांत हिंदू महासभा पर प्रतिक्रियावादी तत्वों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। हिंदू महासभा के अधिवेशन में भाषण देते हुए श्री सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत एक और एक सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता। अभी तो यहाँ दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। भविष्य में हमारी राजनीति विशुद्ध हिंदू राजनीति होगी। इस प्रकार हिंदू सांप्रदायिकता ने मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, ये सारे कारण थे विभाजन के। कांग्रेस नेताओं को सत्ता के प्रति आकर्षण। माइकल ब्रेचर ने लिखा था कि कांग्रेसी नेताओं के समक्ष सत्ता के प्रति आकर्षण भी था। इन नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश भाग ब्रिटिश शासन के विरोध में ही बिताया था। अब वे स्वाभाविक रूप से सत्ता के प्रति आकर्षित हो रहे थे। कांग्रेसी नेता सत्ता का रसास्वादन कर चुके थे और विजय की घड़ी में इससे अलग होने के इच्छुक नहीं थे। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तिगत प्रभाव भी उत्तरदायी था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को भारत विभाजन के प्रति तटस्थ कर दिया था। मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन के भारत आने के एक माह के अंदर पाकिस्तान के प्रबल विरोधी नेहरू विभाजन के समर्थक नहीं तो कम से कम इसके प्रति तटस्थ अवश्य हो गए। ठीक है, लोक अदालत पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकते हैं। आज न्यायालयों में लाखों की संख्या में विचाराधीन मुकदमे पड़े हैं। कार्यभार के कारण दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालयों से न्याय पाने में बहुत अधिक समय लगता है। इस प्रक्रिया में धन भी बहुत व्यय होता है और अनेक अन्य परेशानियां भी उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में न्याय प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए उद्देश्य से एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री PN भगवती की अध्यक्षता में कानूनी सहायता से योजनाबद्ध कार्यान्वयन समिति की नियुक्ति की। इस समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न भागों और देश के अन्य राज्यों के विभिन्न भागों के शिविर के रूप में लोक अदालतें लगाई जा रही हैं। इन लोक अदालतों की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन अदालतों में मुकदमों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है और समझौता कोर्ट फाइल में दर्ज कर लिया जाता है। इनमें वादी प्रतिवादी अपना वकील नहीं कर सकते, वरन दोनों पक्ष न्यायाधीश के सामने
आपस में बातचीत करते हैं। इनमें वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक झगड़े, किराया, बेदखली, वाहनों का चालान, बीमा आदि के सामान्य मुकदमों पर भी दोनों पक्षों को समझाकर समझौता कर दिया जाता है। इन अदालतों में सेवानिवृत्त जज, राजपत्रित अधिकारी, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति परामर्शदाता के रूप में बैठते हैं। ये अदालतें ऐसे किसी व्यक्ति को रिहा नहीं कर सकती जिसे शासन ने बंदी बनाया है। ये अदालतें केवल समझौता करा सकती हैं, जुर्माना करा सकती हैं या चेतावनी देकर छोड़ सकती हैं। लोक अदालत को सिविल कोर्ट के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। इसके द्वारा दिया गया फैसला अंतिम होता है जिसे सभी पक्षों को मानना पड़ता है। इस फैसले के विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर ऐसा है तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल बनाए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।